नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरोत्तम और आज के इस वीडियो में मैं आपको एलईडी बल्ब में लगने वाले ड्राइवर सर्किट एमसीपीसीबी डीओवी और अल्फा डीओवी का प्राइस बताऊंगा। और ये जो प्राइस होगा ये हमारा यहाँ का लोकल मार्केट का प्राइस है, हो सकता है आपके वहाँ ये प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा या फिर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर एक चीज़ों का जो प्राइस होगा उसका अंदाज़ा लग जाएगा। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों का प्राइस को देख लेते हैं। सबसे पहले ड्राइवर से शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा काफ़ी छोटा सा एलईडी बल्ब का ड्राइवर है। ये हमारा 3 वाट से लेकर 15 वाट तक का सारे एमसीपीसीबी को अच्छे से जला देता है और इसका प्राइस हमारा यहाँ 15 रुपये है और ज़्यादातर जगह पर ये आपको 10 से 15 रुपये में एक ड्राइवर सर्किट इस प्रकार का मिल जाएगा। और इसके बाद और एक ड्राइवर सर्किट है, आप लोग देख सकते हो, ये हमारा काफ़ी बढ़िया ड्राइवर सर्किट है। ये हमारा 9 वाट का ड्राइवर है, आप लोग देखिए। और ये हमारा जो ब्रांडेड कंपनी का जो ड्राइवर सर्किट आता है ना, उसी प्रकार का ड्राइवर सर्किट है और ये आपको वही 25 से 30 रुपए में मिल जाएगा हर एक जगह पर। और हमारे यहाँ ये 25 रुपए में मिल रहा है और कहीं कहीं ये आपको 20 रुपए में भी मिल जाएगा। इसका जो प्राइस होता है 20 से 30 रुपए होता है ये एक पीस का। अगर ज़्यादा पीस लोगे तो ये जो प्राइस होगा ये और भी कम होगा सारी चीज़ों का। और इसके बाद और एक ड्राइवर सर्किट है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये हमारा 24 वाट तक का सारे एमसीपीसीबी को जला देता है 3 वाट से लेकर। लेकिन ये जो छोटा सा था ये हमारा 3 वाट से 15 या फिर 18 वाट तक का सारे एमसीपीसीबी को जला देता है, ये छोटा सा। लेकिन ये हमारा 24 वाट तक का सारे एमसीपीसीबी को जला देगा। और इसका जो प्राइस होता है ये हमारे यहाँ 30 रुपये में एक पीस मिलता है और इसका प्राइस वही 20 से 30 रुपये रहता है सारे जगह पर। और इसके बाद और एक ड्राइवर सर्किट है, ये थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग देख सकते हो, ये हमारा 30 वाट का है और ये हमारा वही 20 से लेकर 30 वाट का सारे एमसीपीसीबी को जला देता है। और इसका जो प्राइस हमारे यहाँ है ये हमारा 40 रुपये में मिल रहा है एक पीस। ये थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में हमारे यहाँ मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर ये आपको 30 रुपये में भी मिल जाएगा। ये हमारा ड्राइवर सर्किट का प्राइस हो गया। इसके बाद एमसीपीसीबी का प्राइस को देख लेते हैं। सबसे पहले 9 वाट का एमसीपीसीबी से शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे दोनों हाथ में दो प्रकार का एमसीपीसीबी है, दोनों 9 वाट का है लेकिन दोनों अलग अलग है। इसमें आप लोग देख सकते हो हमारा 10 SMD LED है लेकिन इसमें हमारा 9 SMD LED है। और दोस्तों जिसमें ज़्यादा SMD LED होता है, ये जो 10 SMD LED वाला MCPCB है ये आपको वही 7 रुपये में मिल जाएगा एक पीस। और ये जो हमारा 9 SMD LED वाला MCPCB है ये थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का है, आप लोग देख सकते हो, और ये आपको वही 8 रुपये में मिलेगा। ये थोड़ा सा 1 रुपये इससे ज़्यादा होता है क्योंकि इसका जो क्वालिटी होता है ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होता है, लेकिन इसका क्वालिटी थोड़ा सा कम होता है इसके मुकाबले। तो ये 7 रुपये में मिलता है और ये हमारा 8 रुपये में मिलता है। तो ये हमारा 9 वाट का MCPCB का प्राइस है। और इसके बाद दोस्तों हमारा आता है 15 वाट। ये आप लोग देख सकते हो मेरे पास 12 वाट का MCPCB नहीं है और 12 वाट का जो MCPCB होता है वो आपको वही वो 10-12 रुपये में मिल जाएगा। और ये हमारा 15 वाट का MCPCB है, ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का है और ये हमारा यहाँ पर 15 रुपये में मिलता है एक पीस। तो मैंने इसको 15 रुपये देकर खरीद के लेके आया हूँ। और इसके बाद दोस्तों और एक MCPCB है, ये हमारा 24 वाट का है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर इसका वाट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 24 पहले से ही लिखा हुआ है और बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें आप लोग अगर SMD LED को गिनोगे तो यहाँ पर 24 SMD LED मिल जाएगा। और दोस्तों ये मुझे 30 रुपये में मिला था ये MCPCB। और इसके बाद मेरे पास और एक MCPCB है, ये देखिए, ये हमारा 27 वाट का है और इसके ऊपर भी यहाँ पर वाट नहीं लिखा हुआ है लेकिन इसमें 27 SMD LED है और ये मुझे 35 रुपये में मिला था, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये हमारा MCPCB हो गया। इसके बाद आता है हमारा DOV, एक हमारा नॉर्मल DOV आता है इस प्रकार का 9 वाट का और एक आता है अल्फा DOV, आप लोग देख सकते हो। दोनों में अंतर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर है और एक IC है। इसमें ब्रिज रेक्टिफायर और IC एक साथ मिला हुआ है और बाकी इसमें एक कैपेसिटर होता है, एक इंडक्टर कॉइल होता है और एक हमारा रजिस्टर होता है, फ्यूज रजिस्टर। और इसका जो SMD LED का क्वालिटी है ना ये बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर कम SMD LED है लेकिन इसका क्वालिटी अच्छा है, यहाँ पर ज़्यादा SMD LED है लेकिन इसका क्वालिटी ख़राब है। तो इसका जो प्राइस होता है थोड़ा सा कम होता है क्योंकि इसका ख़राब क्वालिटी है। और ये आपको एक हमारा DOV वही 6 या 7 रुपये में मिल जाएगा और ये एक हमारा इस प्रकार का अल्फा DOV हमारा यहाँ 20 रुपये में मिलता है। इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है हमारे यहाँ। और इसके बाद दोस्तों और एक हमारा ये DOV आता है, ये आप लोग देख सकते हो, ये हमारा 20 वाट का DOV है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में, और ये अल्फा DOV है इसी प्रकार का। यहाँ पर देखिए दोनों समान है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा फ्यूज रजिस्टर लगा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पर फ्यूज रजिस्टर है। तो ये मुझे हमारा यहाँ 40 रुपये में मिला था। और इसके बाद हमारा लास्ट में ये बड़ा सा अल्फा DOV है जो कि हमारा स्ट्रीट लाइट वगैरह में लगता है और ये हमारा 50 वाट का अल्फा DOV है, आप लोग देख सकते हो इसके नीचे में लिखा हुआ है। और जो 50 वाट का बड़े बड़े लाइट आते हैं ना उनमें अगर उसका ड्राइवर और MCPCB ख़राब हो जाता है तो वहाँ पर मैंने इस प्रकार का अल्फा DOV को लगा देता हूँ। इसका जो लाइफ होता है बहुत ही बढ़िया होता है
और इसका लाइट भी बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर इस प्रकार का नॉर्मल जो ड्यूवी आता है हमारा 50 वाट का, उसको लगाता हूँ तो उसका लाइट थोड़ा सा कम होता है और उसका जो लाइट होता है वो भी बहुत कम होता है। तो इसीलिए मैंने इस प्रकार का अल्फा ड्यूवी का भी ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा प्राइस जो कि मैंने इस वीडियो में बता दिया। तो इस प्राइस के हिसाब से आप अपने जो सामान होता है उसको खरीद सकते हो। इससे थोड़ा सा कम प्राइस में आप बार्गेनिंग करके खरीद लेना, आपको मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।